घोष। आई लाइक हिज शॉर्ट्स बेटर देन हिज नॉवेल्स। टेक्नो? नहीं। हैवी मेटल? नहीं, यू विल बी सरप्राइज्ड, वैम्पायर वीकेंड सुन रहा हूँ। टिपिकल अंग्रेजी खिचड़ी। वो तो डिपेंड करता है कि तुम जॉन मेयर के बारे में क्या सोचती हो। आई बेट यू लाइक हिम, ऑल गर्ल्स डू। नहीं, मैं उसकी फैन बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा, तो तुम किसकी फैन हो? लगता है हमारी सवारी आ गई। कल इसी वक्त इसी जगह फिर मिलेंगे हम लोग। दादाजी, पेड्रो। अरे बेटा, रोते नहीं। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इसी पेड़ की कहानी। मेरी कहानी? अरे चॉकलेट, अरे देना, मुझे भी दे, मुझे दे, अरे देना देना दे। तब मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ यहाँ पर रोज खेलने के लिए आया करता था। अब ये बता सकते हो कि कौन मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था? आपका फ्रेंड कहाँ है? ठीक तुम्हारे पीछे है बेटा। ये तो एक मोटा सा पेड़ है। और पता है बच्चों, इसी ने मुझे तेरी दादी से मिलाया था। कैसे? कैसे? और इसी बदमाश ने तेरी दादी पर फल फेंका था और उसकी वजह से तेरी दादी को चोट लग गई, और चोट ठीक करते करते मैं इसके प्यार में पागल हो गया। क्या बकवास है, मेरे सर क्यों डाल रहा है? फेंका तो तू नहीं था। आपको फेंकना नहीं आया। भाग भाग, जा जा, पहले पति भगा देती फिर बेटा और अब पोतियां। पुत्रो, साले बगैर टिकट के मैटिनी शो दिखाया गया। ये लो, आ गए हमारे देश का उज्जवल भविष्य। अबे यार, क्यों टेंशन लेता है? प्रोफेसर बटवाड़ेकर तो बस हूल देता है, कुछ नहीं करेगा, चिल मार ना। यार, इस बार मैं चांस नहीं लेना चाहता। अगर इस बार बैक लगी तो डैडी मुझे घर से निकाल देगा। घर से निकाला तो इधर मत आना। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, डर मत, डर के आगे जीत होती है। अबे क्यों इसको फालतू में चढ़ा रहा है? इसने जिंदगी में आज तक कुछ किया भी है डर के आगे? तुम जैसे पेसिमिस्टिक लोगों की वजह से ही हमारा देश पिछड़ा हुआ है। पीपल शुड लर्न टू टेक एजुकेटेड रिस्क। यार यार, एजुकेटेड तो हो जाऊं, मेरे लिए बस उतना ही काफी है। सही फरमाए गालिब। अबे ये सब रहने दे, तू आज बटावड़े के घर जा रहा है ना? पता है उसकी एक बेटी है। क्या पलंग तो चीज है बे। लर्न टू रिस्पेक्ट विमेन यार। ओके, विद ऑल योर रिस्पेक्ट, क्या पलंग तोड़ चीजें पे, देख देख कौन है। अबे टेंशन न लेना, रिलैक्स, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, हिम्मत रख। अबे उसकी बेटी का नंबर लेके आना। क्या बदतमीजी है ये? मेरे जामुन, उफ जाने मन, पहली बार झाड़ के फूल को बैठे हुए देख रहा हूँ। मेरा भेजा मत पकाओ। मेरी जान, तेरे भेजे में हमारा प्यार का सैंडविच और रोमांस का बर्गर पका रहा हूँ। फालतूगिरी और आशिकी में फर्क होता है। ओ तेरी, मेरी मम्मा ने भी मेरे पापा से यही कहा था। सविता, प्यार, लव और इश्क का तेल लेने। क्यों? क्योंकि मेरा नाम सविता नहीं, शीला है। हाँ
ओए रुक 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 अरे यार हर साल अपने प्यार के चक्कर में मुझे गजनी बना जाता है। We want jobs. कल्याण नगर के आर्थिक विकास के लिए ये अदालत ये फैसला सुनाती है कि कल्याण नगर की सारी जमीन सरकार को सौंप दी जाए, इस जमीन पे सभी प्राकृतिक बाधाएं हटाई जाए और जन कल्याण के लिए उद्योग की प्रगति को बढ़ावा दिया जाए। बीत गए बरसों की बात है, दादाजी के किस्से कहानियों की बात है। इसी गली के मोड़ पे मेरे खिड़की के सामने खड़ा रहा जमाने तक एक पीपल का पेड़, बड़ा गुरूर से भरा, सख्त दिखने वाला, पर टहनियों पे उसके मुस्कान झलकता। देखता रहा दुनिया को बदलते, अपने ही बनाए चक्रव्यूह में फंसते। कई आए और चले गए, पर वो यहीं टिका रहा, आज़ाद अपनी मस्ती में, जैसे बचपन के छांव में बेफिक्र बच्चे, आंसुओं में, बदलते परछाइयों में, शाखों पे लिखे अमर प्रेम कहानियों में। वो बढ़ता रहा, बेवजह के लड़ाइयों में शर्मसार हुआ, रोज़मर्रा के टकरार में, पर वो प्यार ढूंढता रहा। फिर एक दिन आया, ज़माने के दस्तूर ने उसके अभिमान को ठेस पहुँचाया। जिस बदन पर प्यार की कहानियाँ लिखी गई थी, उसी पे उसका मौत का फरमान लिखा गया। यह सुन टहनियाँ उसकी थोड़ी सी सरकी, वो मन ही मन मुस्कराया, कहते हुए मुझसे, आदमी ने फिर ज़रूरतों के कलम से तलवार को दे दी है धार। वक्त कल आज और कल में थम चुका है, मेरा वक्त आ चुका है।